छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति हो गई। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई की। पुलिस ने गाड़ी चला रहे दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गांजा तस्कर बताए जा रहे हैं, जिसकी गाड़ी से गांजा भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में सेना की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। लगातार आतंकवादियों संग मुठभेड़ हो रही है, उनका सफाया किया जा रहा है। एक बार फिर पुलवामा में सेना ने टीआरएफ के आतंकी का सफाया कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान खालिद बशीर नाम के आतंकी को मार दिया गया है। इस आतंकी ने ही 2 अक्टूबर को एक नागरिक की हत्या कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें शनिवार को दोपहर 11 बजे दिल्ली के ऑफिस में बुलाया है। जैकलिन पूछताछ के लिए दूसरी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी उनसे धोखाधड़ी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर और उसकी लीना पॉल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करना चाहती है। वहीं ईडी पूछताछ के बीच एक्ट्रेस नोरा फतेही के प्रवक्ता ने कहा कि एक्ट्रेस का मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनकी नजरों में नोरा भी एक पीड़ित हैं और अब ईडी का पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्हें सिर्फ केस में मदद करने के लिए बुलाया गया है। कल देश भर में विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में रामलीला कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, तो वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की आरती की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा की।